यस वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। स्टील प्लांट कंपनी की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है फॉर 2024, जहां पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब वैकेंसी निकाली गई है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है। पोजीशन की बात करें तो इंजीनियर के अलावा यहाँ पर मल्टीपल पोजीशन के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें डिप्लोमा बीई बीटेक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, स्टील प्लांट कंपनी है तो इसमें आपको बेहतरीन सैलरी देखने को मिल जाएगा। अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग सैलरी देखने को मिल जाएगा। मिनिमम सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 2.5 LPA से लेकर 10 LPA तक का CTC आपको देखने को मिल जाएगा। तो कौन कौन एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, सारा कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इस प्रकार की लेटेस्ट जॉब वैकेंसी हम पोस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये वैकेंसी जो है AMNS इंडिया कंपनी की तरफ से निकाला गया है। इस कंपनी का पूरा नाम है आर्सिलोर मित्तल निप्पोन स्टील इंडिया। काफ़ी स्टूडेंट इसमें डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन पर वर्क भी कर रहे हैं, और हाल ही में इसमें वैकेंसी आया हुआ था। यहां पर देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी पोस्ट किया गया है लिंक्डइन पर। 6 घंटे पहले ही AMNS की ऑफिशियल लिंक्डइन पेज पर यह वैकेंसी पोस्ट किया गया है। इनके अभी कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और ये कंपनी अब एक्सपैंड कर रही है इंडिया में, तो काफ़ी सारी वैकेंसीज आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो जिन भी कैंडिडेट्स को इस कंपनी में ज्वाइन करना है, इसमें जॉब करना है, उनके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और आपको पता ही होगा, इसका जो मेन प्लांट है हजीरा सूरत गुजरात में, आपका इसमें जो है इसका इस कंपनी का मेन प्लांट है, तो आपका जॉब लोकेशन जो होगा हजीरा सूरत गुजरात में आपको जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, टू अप्लाई फॉर पोजीशन प्लीज़ विजिट द फॉलोइंग लिंक्स। करंट ऑपरेशन यानी कि जो अभी करंट में कंपनीज वर्क कर रही है, यहाँ पर लिंक दिया गया है उसका, और ये कंपनी एक्सपैंड कर रही है तो उसका यहाँ पर क्या कौन कौन सी पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है वो लिंक दिया गया है। ये लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, पोस्ट भी किया गया है बिल्ड स्टील इंटू योर कैरियर विथ AMNS इंडिया। तो अगर आप स्टील प्लांट कंपनी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। चलिए हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में हम आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ पर क्लिक करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, अप्लाई करने से पहले डिटेल दिया गया उसके बारे में बता देते हैं। आपका जॉब लोकेशन हजीरा सूरत में होगा, और जो भी कैंडिडेट इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरेंगे, उनको जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा कंपनी की तरफ से। आप यहां पर ऑनलाइन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है तो आप अपना CV भी यहां पर देख सकते हैं, HR का ऑफिशियल मेल ID दिया गया है, इस पर मेल ID सेंड करते हैं। लेकिन हम प्रीफर करेंगे कि आप लोग इसमें अप्लाई ऑनलाइन कीजिएगा। डायरेक्ट बात करते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपने BE BTech कर रखा है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। BE BTech मैकेनिकल, BE BTech कंप्यूटर साइंस, BE BTech इंस्ट्रूमेंटेशन, BE BTech मेटलर्जी, तो ऑलमोस्ट ऑल ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, BE BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा मैकेनिकल, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा मेटलर्जी। ये जो वैकेंसी निकाली गई है करंट ऑपरेशन के लिए निकाली गई है। अभी एक इसकी अलग और एक और वैकेंसी है जिसमें कंपनी जो एक्सपेंड कर रही है वहाँ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसमें तो देख सकते हैं, यहाँ पर ये ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, टोटल एक्सपीरियंस यानी कि इसमें मिनिमम 1 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन स्टूडेंट के पास काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो किसी भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वर्क कर रहे हैं। अगर आपके पास 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आप AMNS कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको बेहतरीन फैसिलिटीज़ के साथ साथ और सैलरी भी अच्छा इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस कंपनी को आप स्विच करके इस कंपनी में ज्वाइन हो सकते हैं। तो टोटल एक्सपीरियंस आप मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। करंट कंपनी है, किस कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं और कंपनी का आपका लोकेशन क्या है। इसके बाद करंट कॉम्पनसेशन इन LPA यानी कि आप जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं उसमें आपको कितना CTC देखने को मिल रहा है। इसके बाद आप कितना CTC जो है एक्सपेक्ट करते हैं LPA में, वो आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद एजुकेशन हमने बता दिया है। पोजीशन की बात करते हैं तो यहां पर शिफ्ट इंजीनियर की पोजीशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हम सजेस्ट करेंगे, आप जिस भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, जिस भी पोजीशन में, जिस भी डिपार्टमेंट में, उसी पोजीशन के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपका ज़्यादा चांस है सेलेक्ट होने का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इंजीनियर का पोजीशन है, शिफ्ट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन है, फील्ड कंट्रोलर, सेक्शन इंचार्ज, इसके बाद यहाँ पर सेक्शन है जो आपका शिफ्ट इंजीनियर की पोजीशन है। जो जितनी भी शिफ्ट इंजीनियर की पोजीशन है इसमें डिप्लोमा BE BTech वाले अप्लाई कर पाएंगे, 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके बाद शिफ्ट इंजीनियर मैकेनिकल, मैकेनिकल, इसके बाद सेक्शन इंजीनियर, शिफ्ट इंजीनियर, तो काफ़ी मल्टीपल वैकेंसीज निकाली गई हैं। उन स्टूडेंट के पास अपॉर्चुनिटी है जो मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस रखे हैं। नोटिस पीरियड की बात करें तो आप कितने मंथ तक वहां पर आपका नोटिस पीरियड आप देके इस कंपनी को स्विच कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद नोटिस पीरियड बाई बट बाई आउट ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है, यस या नो, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे तो इस फॉर्म के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप कई सारे स्टूडेंट हैं जो
जिंदल स्टील में वर्क कर रहे हैं, आप एमएनएस में ही वर्क कर रहे हैं, 1 ईयर आपके पास हो गया है, तो कंपनी में आप एक अच्छे पोजीशन पर सिलेक्ट हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं जो कंपनी एक्सपेंड कर रही है वहाँ पर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट निकाली गई है। इसमें भी देख सकते हैं बीई, बीटेक और डिप्लोमा, ऑलमोस्ट ऑल ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा की बात करें तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, जितनी भी वैकेंसी निकाली गई। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पोस्ट दिया गया है कौन कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उस पोस्ट पर क्लिक करके आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसमें भी शिफ्ट इंजीनियर की पोजीशन के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो दोनों ही लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, हम दोनों लिंक प्रोवाइड कर देंगे, उस पर क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर